हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का मर्डर प्रैक्टिस सेट करवाया था और आज मैं आपको आगे करवाऊंगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी स्टूडेंट मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। और हम लोग का ये मर्डर प्रैक्टिस सेट 55 और 56 होगा, यानी कि टोटल में 60 मर्डर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, मैं उसको करवा दूंगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम व्यू से जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होगा वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का मेरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो जानते हैं कि प्राचीन भारत काल को कौन किसको कहते हैं, तो वो गुप्त वंश के शासनकाल को। और एक है मध्य में भी, ठीक है, एक मध्य में बोला जाता है स्वर्णकाल, तो वो हिंदी साहित्य का काल कहते हैं, स्वर्णकाल नहीं बोलते, वो अकबर के शासनकाल को बोला जाता है। जुर्म और सजा जिसको बोलते क्राइम एंड पनिशमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो फ्योरोडोर दस्तोएवस्की। कौन सा वेद औषधि विज्ञान है, तो अथर्ववेद, जिसमें जानते हैं कि कन्याओं का निंदा किया गया इसमें। IRCON का पूरा नाम इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। यूएसए द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था, तो आप जानते हैं लिटिल बॉय। और 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और 3 अगस्त 1945 को, यानी 9 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था नागासाकी पर, वो था फैटमैन। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, तो यूएसए है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किए थे। उड़ते हुए वायुयान में होता है स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं MGH स्थित ऊर्जा और HMBSQ गतिज ऊर्जा। परमाणु शोध और रेडियो थेरेपी में कौन सी गैस उपयोग होती है, तो रेडॉन। मिठाइयों को सजाने के लिए किस धातु की पतली परत का उपयोग करा जाता है, तो चांदी। हृदय घात का कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। पानी में SO2 को घुलने पर बनने वाला अम्ल कौन है, सल्फ्यूरस अम्ल। घरेलू ईंधन में कोयले में कौन से प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है, एंथ्रासाइट। उच्च कोटि की कोयला है, एक होता है पीट कोयला, वो होता है निम्न कोटि की कोयला। गर्म पानी की बोतल में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी उच्च विशिष्टता होती है। SSL का अर्थ क्या था, स्वच्छित सॉकेट परत। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे रवीन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के दिया गया था, गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। और सबसे नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ कब से देना, तो 1901 से। थ्री मार्केस्टियर्स के लेखक कौन थे, तो अलेक्जेंडर ड्यूमास। सफदर हाशमी का नाम किससे जुड़ा है, तो नाटक से। टाइगर वुड्स है क्या, गोल्फ खिलाड़ी। हमारे हरारे की राजधानी क्या है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। सिलिकॉन वैली नामक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए होता है। भारत में परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है सड़क मार्ग। कामागाटा मारू क्या है, एक नौसैनिक यात्रा पर कनाडा के लिए जहाज। बार है वायुमंडलीय दाब की गई। पूरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के समान मनाई जाती है, तो जगन्नाथ। कौन सा शहर भारत के बगीचे के नाम से जानते हैं, बेंगलोर। मूल रूप से आपके दस्तावेज किस मोड़ से प्रिंट होंगे, पोर्ट्रेट। संबंधकार जो आपकी टाइप करते ही टेक्स्ट को सही रूप में कन्वर्ट करते हैं, ऑटो करेक्ट बोलते हैं उसको। दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो इंडोनेशिया। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। प्रकाश वर्ष संबंधित है दूरी से। अंकोलॉजी अध्ययन कैंसर का होता है। ब्लेज पास्कल के साथ जुड़ा रहता है गन्ना मशीन। विटामिन ए हमारे शरीर में आवश्यक होता है उचित दृष्टि के लिए। एक व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर। किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की थी, तो JRD टाटा। KR कुमार स्वामी अय्यर बजाते थे बीना। मुस्लिम शासक में सबसे पहले मूल्य बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही कम व्यापारियों को, जो कम जो तोलते थे उनको मांस कटवा, जितना कम तोलते थे उतना मांस कटवाने की इजाज़त दी थी। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक शेर खा था। और जो एक ही बार में एक तरह मतलब कि एक शेर को मार दिया था, तो उनको शेर की उपाधि दी गई थी।
दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। राष्ट्रकूट प्रतिहार वर्ष और पल्लव का संबंध है त्रिदेशीय संग्राम से। राष्ट्रकूट है ना, राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग और राजधानी मान्यखेत। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 में हुआ था। जी एस सी का पूरा नाम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत में राष्ट्रीय ध्वज वस्त्र खादी है। और जानते हैं कि ध्वज की लंबाई कितना होता है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। मैंगलोर पोत स्थित है कर्नाटक में। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार के शुभारंभ सिंगापुर में किए थे। आश्रू गेट आश्रू द्वार जिसको बोलते गेट ऑफ टीयर्स है बाब अल मंडाब। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जोड़ता है मुंबई चेन्नई को। एशिया की सबसे बड़ी नदी यंग त्रिजे है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। लोथल की खुदाई किस सभ्यता का पता है, सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता का खोज कौन किए थे, तो जानते हैं दयाराम सहनी ने 1921 में। भारत में रेलवे द्वारा वहन की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं में सबसे अधिक मात्रा में होती है कोयला। संयुक्त राज्य अमीरात की मुद्रा है दिरहम। और संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी अबूधाबी है। लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, सेंट जेम पैलेस में। अब कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता 23:56:49 में। भारत में संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक प्राधिकरण कौन करता, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और इनका अनुच्छेद कितना पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट का, 124। और उच्च न्यायालय ठीक है हाई कोर्ट जो उसको बोला जाता है अनुच्छेद 214 में उनको पढ़ना। सेंड स्टोन बलुआ पत्थर एक ही क्या तलछली चट्टान। इंग्लिश चैनल को टैर कर पार करने प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आरती सहम। ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे से 82:30 पूर्व भारत का समय कितना होता है, तो जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरता है यानी 5.5 घंटा आगे होता है। संगम ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समय लगता है, यह अधिकतम होता है सर्दियों में। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार का उदाहरण है, जल जनित रोग है टाइफाइड और हैजा। वेल्डिंग के लिए तप्त ज्वाला निकालने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो एसिटिलीन के लिए। चांद की सतह यदि एक चट्टान लाया जाता है तो इसका भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा भार बदल जाएगा। कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त होता है एंथ्रासाइट, और सबसे निम्न कोटि का तो पीट कोयला। ल्यूकेमिया किसका रोग है, रक्त का। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन होता है यानी आयरन कमी से होता है। डुओडियम एक भाग है आंत का, इंस्टेंटान जिसको बोलते हैं। कार्बन का एक अपरूप जो उष्मा का विद्युत चालक ग्रेफाइट यानी अधातु रहते हुए भी सुचालक है यानी अपवाद है ये। एक बाईसाइकिल को खुरदरे धरातल पर चलाने पर इसका वेग क्या होता है, घट जाता है खुरदरे पर। जंतु कोशिकाओं से पादप कोशिकाओं किसकी उपस्थिति के कारण अलग की जा सकती है, तो कोशिका भित्ति। डर्बी का संबंध किस खेल से है, घुड़दौड़ से। मुंबई गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है, हॉकी से। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन कहाँ का मूल तानसेन का मूल नाम क्या था, तो राम तनु पांडे। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। रूसो किस देश के निवासी थे, फ्रांस के। आगा खा पैलेस किस शहर में स्थित है, पुणे में। H5 और N1 बारह कौन सा रोग होता है, बर्ड फ्लू ठीक है। H5N1 और H1 और N1 तो वो होता है स्वाइन फ्लू। H1 और N1 ये H5N1 है तो बर्ड फ्लू। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में। नेपाल चीन और भूटान से घिरा भारत का राज्य सिक्किम है। यूनियन जैक किस देश का ध्वज है, इंग्लैंड का। यूनियन जैक है इंग्लैंड का है। यूरो कप किस कल से संबंधित है, फुटबॉल से। धार्मिक लोक नृत्य करगम का संबंध किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से है। धार्मिक लोक नृत्य करगम तो बता दिए। इंटरनेट मते में इस्तेमाल शब्द HTTP का विस्तारित हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल की देन अमीर खुसरो को जो बोलते हैं भारतीय तोता। उसके बाद भारत के किस नगर में एशिया का पहला डीएनए बैंक स्थापित, लखनऊ में। और द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक बराक ओबामा थे। 1946-47 में भारत की आंतरिक बजट सरकार की वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली। धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कर्ताओं के धावे के समान प्राप्त गांधी कहाँ थे, तो यरवादा जेल में। भारत का पूर्व समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल। इकेबाना फूल सजाने की कला किस देश की है, तो जापान की। वायुसेना दिवस मनाते हैं, कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को।
और बिहू नृत्य असम का है। भारत में प्रथम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। आधुनिक युग के ऋषि किन्हीं कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। पाथेर पंचाली किसकी प्रथम फिल्म थी? तो सत्यजीत रे की। बुनकर पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? ब्रिटेन में। सलमान रुश्दी को किस पुस्तक के लिए बुनकर पुरस्कार मिला? मिडनाइट द चिल्ड्रन के लिए। अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश गया था? मलेशिया। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रोजर फेडर किस देश के खिलाड़ी है? तो स्विट्जरलैंड। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस शहर में हुआ था? शिलोंग में। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो कैथरीन मेयो ने। गुमदेश्वर के प्रसिद्ध मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला में, यानी जो कर्नाटक में पड़ता है। भारत का राष्ट्रपति निर्विरोध चुने जाने का गौरव किसे प्राप्त है? तो नीलम संजीव रेड्डी, यानी एक बार ये हार गए थे उसके बाद ये निर्विरोध जीते थे। भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। किस क्रांति के साथ टेनिस कोर्ट और संबंधित है? फ्रांसिस क्रांति। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को आते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं रक्त का दाब। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से रंगा स्वामी कप। भारत में कोई बैंकिंग कंपनी खोलने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। देश का पहला मॉडल ई कोर्ट कहाँ स्थापित है? अहमदाबाद में। गूगल और याहू क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है कौशाम्बी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान था? तो प्रतिष्ठानपुर चंद्रवंशीय। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? तो अवंतिका। द इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक अमर सिंह। रुइया स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से? ब्रिज से है रुइया। भारत रत्न अलंकार 1954 से दिया जाता है। विजय हराड़े तो क्रिकेट से संबंधित है। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को किस ग्रंथ में एकत्रित किया गया था? तो विनय पिटक में, इनका जब शिक्षा हुई थी। लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे जेबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रुटकी में। माडेका कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। तो अब मैं आपको लूसेंट से बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताऊँगा। तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे कौन थे? आनंद थे। और गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी कमल और साठ पर, इनका प्रतीक। गृह त्याग किए थे घोड़ा पर, और ज्ञान की प्राप्ति पीपल के बीच के नीचे। निर्माण हुआ था ये पदचिन्ह, और मृत्यु हुआ तो क्या बन गया था? अस्तूप बन गया था। जन्म हुआ था कब गौतम बुद्ध का? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। पिता का नाम सूर्योदन थे और माता का नाम माया देवी। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुई थी, पुत्र राहुल था। संसार गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, जिसको बोलते थे महाभिष्क्रमण। और इनकी जो गुरु थे अलाड़ कलाम थे, ठीक है, और प्रथम गुरु ये कहलाते थे। और इनका दूसरे गुरु भी थे जिसको बोलते थे रुद्रकर्णोपद। और 6 वर्ष ये तपस्या किए थे, ठीक है, और 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे पीपल के बीच के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हीं नाम रखा गया, मतलब कि बुद्ध के नाम से जाने लगा। उसके बाद ये जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसको बोलते थे धर्मचक्र परिवर्तन। और बुद्ध ने अपने उपदेश में जो भाषा का प्रयोग किया था पाली। सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे सर्वाधिक जो कौशल केरधानी जो है श्रावती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, पुरुषजनित और उदयन। इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, जिसको बोलते थे महापरिनिर्वाण। अभी बताए थे बुद्ध के बारे में कि अभी त्रिपिटक थे, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, और सभी की भाषा पाली थे। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया था। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना था? तो 15 वर्ष था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी थे बुद्ध धर्म संघ, और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को बोलते थे उपसंपदा। और आप जानते हैं कि जो बौद्ध सभाएं थी 4 हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय चतुर्थ, तृतीय चतुर्थ। प्रथम हुई थी कब? 483 में। और स्थान राजगीर, अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप। और शासन किसके शासन का? अजातशत्रु।
द्वितीय 483 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था और कालाशोक थे शासन शासक में। तृतीय में 255 पाटलिपुत्र में मुगली पुत्र गोस्वामी थे और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति, तो आप जानते हैं कि ईसापुर के प्रथम शताब्दी में और कुंडलवन और वसुमित्र थे इनका क्या अध्यक्ष और कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही मतलब कि दो भागों में बट गया था ये भीनयान और महायान। और उसके बाद फिर अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, मतलब कि दोनों का समानता ये है अनिश्वरवाद के संबंध में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है और इन्हें 123 फीट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था इनका। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किनकी है, तो ये बुद्ध की ही है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट कब आऊँगा। धन्यवाद।